नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अवनी लेखा पर गर्व जताया और लिखा उन्होंने कि 2022 में एक और स्वर्ण पदक जीता गया, नई ऊंचाइयों को छूने का उनका दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड में पहुंचे जहां उन्होंने जिनेवा G33 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जिनेवा में G33 में लिया हिस्सा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले हिमाचल प्रदेश में उच्च ऊंचाई वाली सीमा चौकियों पर योग का अभ्यास किया। उत्तर प्रदेश हिंसा में अब तक 304 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हुई बैठक में बलवाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। झारखंड के रांची में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला। SSP ने बताया कि हम उन सभी लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। SSP ने कहा कि स्थिति सामान्य है और इंटरनेट सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और आपसी सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने कहा कि 100 के आसपास लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है जिसमें कुछ लोग नामजद हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। मौके पर जिलाधिकारी और SP मौजूद। अयोध्या में कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी। धमकी भरा पत्र मिलने से मचा हड़कंप। पत्र में दौलतपुर निवासी के नाम का हुआ इस्तेमाल। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। पुलिस हिरासत में युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। BJP विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने किया ट्वीट, कहा बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट। शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर उनके ट्वीट से मचा घमासान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लॉकअप में पिटाई का वीडियो किया शेयर, कहा ऐसे कैसे मिलेगा हवालात पर सवालात का इंसाफ। बहराइच में अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर। हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण को कराया खाली और बुलडोजर चलने के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी हुए ढेर। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी और तीनों आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्टल सहित हथियार गोला बारूद बरामद। फतेहपुर के सदर थाने के पास धरना स्थल पर आए पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज पूरे देश में दलितों और महिलाओं में सबसे अधिक अपराध राजस्थान में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फतेहपुर अपराधियों की शरणस्थली बना हुआ है। प्रशासन और पुलिस कांग्रेस सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है। राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान के संसदीय लोकतंत्र में यह पहला अवसर है जब सरकार धनतंत्र बाड़ेबंदी और नोटबंदी में लगी हो। उन्होंने कहा कि उनके विधायकों के खिलाफ साल 2017, 2018, 2019 के मुकदमों में नोटिस जारी किए गए। सरकार बचाने के लिए खाने बांटी गई और बड़े बड़े धन्ना सेठों के जरिए धन बांटा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $120.16 पर पहुंच गए हैं। लगातार बढ़ते दामों में भारतीय बाजार में हलचल मची हुई है। तेल कंपनियां पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं दे पा रही।
राजस्थान पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से एचपीसीएल और बीपीसीएल डीजल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। राजस्थान में 4,500 पेट्रोल पंप निम्न स्टॉक में चल रहे हैं और कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से उम्मीद है कि पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में तेल देगी। भरतपुर में पीएम मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया। इसमें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और सांसद रंजीत कोली ने हिस्सा लिया। बाइक रैली यातायात चौराहे से शुरू की गई जो प्रमुख रास्तों से होते हुए मुखर्जी नगर तक पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सौरभ ताखा के नेतृत्व में हिमांशु शर्मा और सांसद रंजीता कोली का स्वागत किया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जन जागरूकता रैली और बाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने गांधी सर्किल से हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना किया और इस दौरान बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर बाल श्रम रोकथाम के नारे लगाए। इस मौके पर संगीता बेनीवाल ने कहा कि सरकार कई संस्थाएं और आम जनता को जागरूक कर रही हैं। वहीं रैली के बाद सभी बच्चे आयोग कार्यालय पहुंचे जहां बाल संवाद रखा गया था। इस दौरान बच्चों ने कई सवाल पूछे। इस मौके पर बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बच्चों को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देते हुए कहा कि आप कभी भी कहीं से भी हम तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। साथ ही संगीता बेनीवाल ने पोस्टर विमोचन कर बाल श्रम की रोकथाम अभियान का आगाज किया। बाल विवाह रोकथाम और बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने को लेकर जुलाई के पहले हफ्ते में अजमेर में पंचायत का आयोजन होगा। इस पंचायत में कई सामाजिक संगठन और एनजीओ हिस्सा लेंगे। इस पंचायत का मकसद बच्चियों को उनके अधिकारों के बारे में बताना और साथ ही शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। सामाजिक कार्यकर्ता शिवांश आहूजा ने बताया कि आज देश प्रदेश में बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी तक नहीं होती है और उनका बाल विवाह कर देते हैं। इस पंचायत के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है ताकि बच्चे भी देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। देश भर में बाल श्रम निषेध मनाया जा रहा है और इस मौके पर टोंक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन हुआ। टोंक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में और कई एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों ने भाग लिया। इसके बाद एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे सभी लोगों को बाल श्रम के प्रति रोकथाम को लेकर शपथ दिलाई और साथ ही बताया कि जिले में बाल श्रम की रोकथाम को लेकर 12 से 20 जून तक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। जालौर के भीनमाल में बीजेपी का जन आक्रोश आंदोलन शुरू हुआ। कचहरी रोड पर जनसभा का आयोजन रहा और इस दौरान पंडाल में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। भाजपा के कार्यकर्ता सड़क और पेयजल संबंधित समस्याओं को लेकर जनसभा कर रहे हैं। भाजपाइयों ने राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए उसे आमजन विरोधी बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रही है। सूरतगढ़ में बेटी की बीमारी से परेशान एक परिवार पड़ोस में ही रहने वाली दो तांत्रिक महिलाओं के चक्कर में फंस गए। इन तांत्रिक महिलाओं ने परिवार की छोटी बेटी पर भी भूत प्रेत का साया बताया। बच्चे के इलाज के नाम पर परिवार की दोनों बेटियों को लोहे के गर्म चिमटे से दागा और जमकर मारपीट की। शोर मचाने पर युवतियों के भाई ने दोनों को तांत्रिक महिलाओं के चुंगल से छुड़ाकर सीएससी में भर्ती कराया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एक युवक अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दिया और इसके बाद शव को पानी की डिग्गी में फेंक कर फरार हो गया।
जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले भी अपने भाई और साथ ही एक शख्स की हत्या कर चुका है और 2 महीने पहले जमानत पर छूटा था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। टोंक के मालपुरा पुलिस ने इनामी बदमाश बद्री मोगिया को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी हत्या लूट डकैती समेत दर्जनों मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने इस गिरफ्तार करने के लिए लंबे समय से जाल बिछा रही थी लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर निकल जाता था। पुलिस ने एक आरोपी कमरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है जो पिछले 6 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था। पूरे देश में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को लेकर जनाक्रोश विशेष समुदाय की ओर से देखा जा रहा है। वहीं अब आगरा में हिंदू समाज भी नूपुर शर्मा के समर्थन में उतर आया है और उनका कहना है कि नूपुर शर्मा ने मुस्लिम समाज के पैगंबर को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा। नोएडा दौरे पर आए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सेक्टर 38 गेस्ट हाउस पहुंचे वित्त मंत्री। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विधायक धीरेंद्र सिंह मंत्री के साथ रहे मौजूद। प्राधिकरण के अधिकारी और सीटीओ भी मौजूद रहे। उन्नाव में ओवरलोड ट्रकों और डग्गामार वाहनों पर हुई कार्रवाई। 16 ट्रकों के हुए चालान और 2 बसों को किया गया सीज। प्रशासन की कार्रवाई से ट्रांसपोर्ट मालिकों में मचा हड़कंप। गाजियाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन। बेटी फाउंडेशन क्लब ऑफ दिल्ली ने किया आयोजन। विधायक सुनील शर्मा भी रहे मौजूद। कहा सरकार बेटियों के लिए काम कर रही है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के संपर्क रखने वाले लोगों पर सरकारी विभाग शिकंजा कस रहा है। आज कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम हाथे में पहुंची जहां सलीम उर्फ जॉनी वाकर नाम के शख्स की बिल्डिंग को दोबारा सील कर दिया गया। कानपुर में जर्जिस अंसार के बयान का मामला। आपत्तिजनक बातें कहने पर वकीलों में नाराजगी। मौलाना जर्जिस के खिलाफ केस दर्ज कराने थाने पहुंचे। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का मामला। उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। प्रदेश में अब तक 304 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में अब तक 91 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में 71 लोग गिरफ्तार। वहीं हाथरस में अब तक 51 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अंबेडकर नगर में अब तक 34 गिरफ्तार। मुरादाबाद से अब तक 34 लोग गिरफ्तार और फिरोजाबाद में अब तक 15 लोग अरेस्ट हुए। दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। इस बीच दिल्ली बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा को पानी के लिए जताया आभार। साथ ही हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी को और बढ़ाने को लेकर की गई मांग। इस बैठक में दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी समेत कई नेता मौजूद रहे। हिंदी सिनेमा जगत के सुपरस्टार आमिर खान आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक सेलिब्रिटी अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और भारत के स्कूलों और कॉलेजों में युवा एथलीटों को संबोधित करते नजर आएंगे। आमिर खान की मौजूदगी से उत्साह बढ़ेगा और वहां मौजूद प्रतिभा को पहचानने में मदद मिलेगी। ये पहली बार है जब खान अपनी कुश्ती फिल्म दंगल के बाद हरियाणा वापस जा रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम ने शनिवार रात एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में अफगानिस्तान पर 2-1 की रोमांचक जीत दर्ज की और ये उसकी इस प्रतियोगिता में दूसरी जीत है। अब टीम का सामना 14 जून को हांगकांग से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना ने आगामी सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। 25 साल की मंधाना ने कहा कि अब क्रिकेट बदल रहा है। ज्यादा लड़कियां ग्रास रूट लेवल पर आगे आ रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स
2022 के लिए भारतीय महिला बॉक्सिंग टीमें तय हो गई हैं। टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन एक बार फिर CWG के लिए टीम इंडिया की जगह बनाने में सफल रही हैं टीम इंडिया में। और पिछले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन यूथ वर्ल्ड चैंपियन नीतू और जैस्मिन टीम में नया चेहरा है। सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर प्रत्युषा गारमेला की बाथरूम में मिला शव, सुसाइड केस दर्ज, डिप्रेशन से गुजर रही थी गारमेला। अल्लू अर्जुन के खिलाफ हुई FIR, पुष्पा फेम एक्टर और विज्ञापन में भ्रामक जानकारी देने का आरोप, अर्जुन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सोनम कपूर ने लंदन की सड़कों पर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, बहन रिया के साथ घूमती नजर आई। सोनम ने 2018 में की थी आनंद आहूजा से शादी। ब्रह्मास्त्र में नंदी बनकर अपना दम दिखाएंगे नागार्जुन का सामने आया फर्स्ट लुक। 15 जून को ब्रह्मास्त्र का रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। स्पेन में शर्टलेस हुए अभिनेता रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर के साथ पानी में किया रोमांस, जल्द ही लव रंजन के निर्देशन में बन रही फिल्म नजर आएंगे दोनों। विकी कौशल के साथ फराह खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो, फोटो के साथ कैटरीना कैफ को किया टैग, कैटरीना ने फोटो पर किया रिएक्ट। द पंजाबन सॉन्ग पर नीतू कपूर ने बेटी संग लगाए ठुमके, मनीष मल्होत्रा के स्टेप देखकर करण ने किया रिएक्ट। नयनतारा शादी के बाद पति के साथ तिरुपति मंदिर पहुंची एक्ट्रेस नयनतारा, मडाकी सड़कों पर चप्पलों में घूमती नजर आई नयनतारा, विवादों में घिर गई हैं एक्ट्रेस। राखी सावंत के सोशल मीडिया अकाउंट्स हुए हैक, राखी ने एक्स हस्बैंड रितेश पर लगाया हैक करने का आरोप, राखी सावंत ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। धीरज धूपर ने कुंडली भाग्य को कहा अलविदा, शो छोड़ने को लेकर बोले धीरज, कहा मेकर्स और आपसी सहमति के बाद ही छोड़ा शो।